हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम वीडियो शुरू करेंगे फ्लिपकार्ट क्लोनिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट को क्लोन करेंगे पूरा ए टू जेड तक। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं क्या करूँगा, नैव बनाऊँगा और ये लॉगिन पेज बनाऊँगा। ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो अभी। तो आज की वीडियो में हम यही बनाएंगे, पार्ट वन ये होगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद पार्ट टू आएगा। ठीक है, हम सीरीज वाइज पार्ट करके बनाएंगे, पूरा फ्लिपकार्ट को क्लोन करेंगे, वो भी क्या यूज करके, बूटस्ट्रैप एंड टेलविन सीएसएस। ठीक है, ये दो फ्रेमवर्क यूज करके हम इसे क्लोन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइस। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, आप बोलोगे कि आप क्लोन अच्छे से नहीं कर रहे हो, मतलब आपका फ्रंट एंड उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे इस पे फॉन्ट नहीं सेट हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टेलविन सीएसएस लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मैं वीडियो के एंड में करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली नैव बार बनाऊंगा, ये सर्च बॉक्स के बाद यहाँ पे ये लॉगिन। चलिए चलते हम अपने वीएस कोड, यहाँ पे एक इमेज है ये जो कि हमारा लॉगिन पेज में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बुलेट प्लेट डालूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, टेलविन सीएसएस और बूटस्ट्रैप का सीडीएन लिंक लेके आऊंगा ब्राउजर से। ठीक है, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं टेलविन सी एस एस का ले आता हूँ, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गेट स्टार्ट पे और यहाँ पे प्ले सी डी एन में। ठीक है, तो इस सीरीज के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे टेलविन सी एस एस और बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करके अपने सिस्टम पे वो कर सकते हो। ठीक है, आपको बार बार सी डी एन लिंक यूज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो आप इंस्टॉल करके सेटअप कर सकते हो। तो वो क्या होगा, ये आपको वीडियो के एंड में, मतलब ये सीरीज जो चल रहा है ना क्लोनिंग का, इसके एंड वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आज फर्स्ट वीडियो है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, तो मैं बूटस्ट्रैप पे डायरेक्ट जाऊंगा, उसके बाद ये सीएसएस कॉपी कर लूंगा। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा और यहाँ से मैं कुछ चीजें हटा दूंगा जो हमें नहीं चाहिए, जैसे कि ये इतना पार्ट। ठीक है, यहीं तक हम रखेंगे, कंट्रोल एस टू सेव, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जेएस का लिंक ले आएंगे, मैं इसे कर लूंगा कॉपी। आप चाहो तो ये दोनों भी लगा सकते हो। ठीक है, कंट्रोल एंटर कंट्रोल वी, इसमें भी हमें कुछ चीजें नहीं चाहिए, तो यहीं से मैं क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा मीन डॉट जेएस तक के लिए। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव, हमने एलविन सीएसएस का भी लिंक लगा लिया, सीडीएन लिंक लगा लिया और बूटस्ट्रैप का भी दोनों। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक बिल्ड बनाएंगे जिसे मैं क्लास क्या दूंगा, कंटेनर ल्यूब। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसे बैकग्राउंड कलर दूंगा बीजी प्राइमरी। ठीक है, बीजी प्राइमरी। ठीक, इसी डिफ के अंदर एक और डिफ बनाऊंगा जिसे मैं क्लास दूंगा कंटेनर। कंटेनर, ठीक है, इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसी डिफ के अंदर, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसी डिफ के अंदर एक नैव बनाऊंगा। ठीक है, नैव करके और इसे मैं क्लास दे देता हूं, तो इसे मैं क्लास दूंगा नैव बार। ठीक है, जो कि बूटस्ट्रैप का क्लास है। ठीक है, नैव बार, उसके बाद मैं अब यहां पे क्या करूंगा, प्रॉपर्टी देना शुरू करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या दूंगा, पैडिंग दूंगा, पैडिंग वाई मतलब टॉप बॉटम 3 पिक्सल। ठीक है, इसके बाद मैं इसका विड्थ सेट करूंगा। ठीक है, इसका विड्थ मैं क्या करूंगा, 85% दूंगा, जो यहाँ पे मैं अभी ये विड्थ सेट कर रहा हूँ डब्ल्यू हाइफन देके और ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये मैं टेलविन सीएसएस से दे रहा हूँ। ठीक है, बूटस्ट्रैप में आप कैसे दे सकते हो, डब्ल्यू लिख के 25%, 50%, 75%, 100%, इसीलिए मैं वो यूज ना करके ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसमें कितना भी परसेंट या पिक्सल में दे सकते। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एमएक्स ऑटो पर, ये करने के बाद इस नैव के अंदर मैं एक डिव बनाऊंगा, डिव, और इसे मैं क्लास दूंगा कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, कंटेनर फ्लूइड, के बाद मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जस्टिफाई कंटेन इवेंटली करूंगा। ठीक है, के बाद इस डिप के अंदर में एक यूएल टैग यूज करूंगा और यहाँ पे मैं इसे क्लास दूंगा। ठीक है, नैव पार्ट नैव, ये भी क्या है, बूटस्ट्रैप का क्लास है।
navbar hyphen nav, ठीक है। के बाद इसके अंदर एक li बनाऊंगा, इसे भी मैं क्लास दूंगा, इसे मैं क्लास दूंगा नैव आइटम, ठीक है, नैव नैव आइटम, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये दो चीज लिखूंगा, ये फ्लिपकार्ट और एक्सप्लोर प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक स्पैन लिखूंगा, और स्पैन में मैं क्या लिखूंगा, फ्लिपकार्ट, और इसे मैं क्लास दूंगा यहाँ पे, इसे मैं क्लास सबसे पहले क्या करूंगा, इसका मैं टेक्स्ट कर दूंगा वाइट, ठीक है। उसके बाद इसका मैं फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा टेक्स्ट, ये कैल्विन सीएसएस का क्लास यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आपको देख के ही पता चल जाएगा टेल्विन क्लास टेल्विन का प्रॉपर्टी यूज हो रहा है या बूटस्ट्रैप का, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद कंट्रोल एस टू सेव, के बाद मैं क्या करूंगा, एक एंकर टैग लगाऊंगा, एचआरएफ में मैं हैश डाल देता हूं, ठीक है। उसके बाद इसके आगे मैं एक पहले क्लास लिख लेता हूं, क्लास, और इस क्लास में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नैव लिंक करके दूंगा, ठीक है। आईडी मतलब क्लास बोल रहा हूँ, आईडी नहीं, क्लास जो कि क्या है, बूटस्ट्रैप का क्लास है, ठीक है, नैव लिंक करके, ठीक। उसके बाद इसका मैं टेक्स्ट से वाइट कर दूंगा, जैसे कि मैंने ऊपर फ्लिपकार्ट का किया है वैसे ही, ठीक है। उसके बाद इसका मैं पैडिंग जीरो कर दूंगा, ठीक। उसके बाद मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करूंगा, और जो कि 10 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सबसे पहले तो लिखूंगा एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लोर। उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्पैन लगाऊंगा, ठीक है, स्पैन, और इसके अंदर मैं लिखूंगा प्लस प्लस, ठीक है। और अब मैं इसमें भी क्लासेस ऐड करूंगा, तो इसमें सबसे पहला क्लास क्या होगा, इसका टेक्स्ट हो जाएगा येलो 500, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव, उसके बाद मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके कमेंट रखूंगा, ठीक। तो हमने फ्लिपकार्ट और ये एक्सप्लोर प्लस तो बना लिया, अब हमें क्या करना है, ये एक सर्च बॉक्स बनाना है विद आइकन, ठीक है। तो ये बना लेते हैं अब। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस यूएल के अंदर से मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक फॉर्म बनाऊंगा एक्शन में हैश, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें क्लास दे दूंगा, जो कि फॉर्म होगा, जो हमारा बूटस्ट्रैप का क्लास है, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद में सिंपल सा एक इनपुट बनाऊंगा, टाइप इसका रहेगा टेक्स्ट, इसमें मैं प्लेस होल्डर दे दूंगा, प्लेस होल्डर में यही कॉपी कर लूंगा, ठीक है। प्लेस होल्डर हो गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें क्लास ऐड करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी नॉट अ सिंगल वर्ड में एक्स्ट्रा सीएसएस लिख रहा हूँ, ठीक है। दोनों में फ्रेमवर्क यूज करके बना रहा हूँ, एल्विन सीएसएस और बूटस्ट्रैप, पूरा ये क्लोनिंग यही दो फ्रेमवर्क से कंप्लीट होगा, ठीक है। आप एंड तक देखिए हमारा वीडियो, आपको बहुत मजा आए। पास में दे दिया, अब मैं क्या करूंगा, इसका विड्थ सेट करूंगा, विड्थ मैं इसे दे दूंगा 400 पिक्सल, ठीक है। और एक बार मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। विड्थ देने के बाद मैं इसे पैडिंग दूंगा एक्स एक्सिस में, ठीक है, मतलब लेफ्ट राइट से, एक्स मतलब लेफ्ट राइट और वाई मतलब टॉप बॉटम, ठीक है, 15 पिक्सल। एंड फिर मैं इसे क्या करूंगा, UI भी दूंगा, जो कि होगा 6 पिक्सल। उसके बाद मैं इसका टेक्स्ट चेंज करूंगा, साइफन 14 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद मैं इसका आउटलाइन हटा दूंगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद फिर से मैं इसे राइट क्लिक फॉर्मेट, ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक आइकन लगा, सर्च आइकन, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, जाऊंगा फॉन्ट ऑसम, पहले तो फॉन्ट ऑसम, आप बूटस्ट्रैप से भी लगा सकते हो, पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा फॉन्ट ऑसम से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे ले आके लिंक कर लेंगे बाद में, जब आप इससे ये क्लोन हो जाने के बाद, फ्लिपकार्ट क्लोन हो जाने के बाद, मैं एक और चीज क्लोन करूंगा, उसमें मैं आपको आइकन्स लगाना, फॉन्ट फैमिली लगाना भी मैं बूटस्ट्रैप से ही बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, CDN लिंक ले लेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मैं ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहूँगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैंने CDN कॉपी कर लिया, और इसे मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक, CDN आ गया। अब हमें क्या चाहिए, आइकन चाहिए, एंटर, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करूँगा, आइकन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, सर्च,
मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे कर लूँगा कॉपी। यहाँ पे देख सकते हो आप रिएक्ट के लिए भी है, बाकी सब के लिए भी है, तो मैं HTML का कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और इसे मैं क्या करूँगा, ठीक इनपुट के नीचे पेस्ट कर, कंट्रोल एस टू सेव, ठीक है। और एक बार अब हम क्या करेंगे, अपने पेज पे जाएंगे ताकि हम देख सकें आइकन आया है कि नहीं। पेज पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आइकन आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो परफेक्टली सेट हो चुका है फ्लिपकार्ट और एक्सप्लोर प्लस हमारा, ये भी आ चुका है, इसका बैकग्राउंड भी ब्लू हो चुका है, ठीक है। तो आगे वीडियो देखते हैं, रहिए, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे ताकि मैं कलर चेंज कर सकूँ, इसे क्या करूँ इनपुट के अंदर ला सकूँ। पहले हम क्या करेंगे, इसका पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट, ठीक। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे मैं राइट से दूंगा, इसे मैं राइट से दूंगा, ठीक है, राइट में इसे दूंगा 35.5 रैम, ठीक है। उसके बाद टॉप से दूंगा मैं इसे 17.5, ठीक है। उसके बाद मैं इसका टेक्स्ट क्या करूंगा, मतलब फॉन्ट साइज क्या करूंगा, छोटा करूंगा थोड़ा सा 18 पिक्सल, एंड देन इसका मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट प्राइमरी कर दूंगा ताकि ब्लू हो जाए, ठीक है। टेक्स्ट प्राइमरी, कंट्रोल एस टू सेव, राइट क्लिक, कमेंट, और एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे, अभी ये क्यों नहीं सेट हुआ, ताकि मेरे को यहाँ पे अभी ये चीज़ बनाना है, एक बटन, ये और ये, ठीक है। तो जब मैं ये चारों चीज़ बना लूँगा तो ये परफेक्टली यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक बार राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस आइकन बना लेने के बाद मैं आप बटन बनाऊँगा, ठीक है, जो कि आपको पता होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं लॉग इन वाला बटन क्लिक करने पे एक बॉक्स खुल रहा है जहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हो रिक्वेस्ट OTP के, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लोज कर दो इसे, ठीक। ये बनाना है, मैं बटन बनाना है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बटन बनाऊंगा, ठीक है। और क्लास ऐड करूँगा सबसे पहले BTN BG White, ठीक है, मतलब BG मतलब बैकग्राउंड वाइट। के बाद इसका मैं बॉर्डर रेडियस हटा दूंगा, तो राउंडेड जीरो, ठीक है। उसके बाद इसका विड्थ सेट करेंगे, मैं इसका करूँगा 120 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद इसे PT देंगे, मतलब एडिंग टॉप 1 पिक्सल, ठीक है, एडिंग बॉटम भी देंगे, तो मतलब PB, ठीक है। PB PT ये सब क्या है, एलविन CSS का प्रॉपर्टी, ये W मतलब विड्थ, W हाइफन करके विड्थ सेट करना, ये भी एलविन CSS का प्रॉपर्टी है। राउंडेड तो बूटस्ट्रैप में भी होता है, एलविन CSS में भी होता है। BG White क्या है, ये भी दोनों में होता है, ठीक है, टेलविन CSS और बूटस्ट्रैप में। पर ये BTN, जो BTN है ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे पैडिंग बॉटम में क्या दूंगा इसे 1 पिक्सल, ठीक। उसके बाद में क्या करूँगा, इसका टेक्स्ट प्राइमरी कर दूंगा, ठीक है, text-primary, ठीक, ये हो चुका है। उसके बाद में इसे PB दूंगा, मतलब मार्जिन बॉटम, ठीक, मार्जिन बॉटम में इसे दे दूंगा 4 पिक्सल, ठीक है। और ML मतलब मार्जिन लेफ्ट में इसे कितना दूंगा 3 पिक्सल, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा, क्या कि मैं इसमें क्या करूंगा, एक बूटस्ट्रैप क्लास ऐड करूंगा जो कि है DataBSToggle। ये क्या करेगा, टॉगल करेगा इसे मॉडल। अभी ये आपको समझ नहीं आएगा, पर मैं अभी यहाँ पे आपको ये चीज़ देख के दिखा देता हूँ, ठीक है। हमें इस क्लास के अंदर नहीं, इस क्लास से बाहर निकलना है, Data-BS-Toggle, ठीक है। टॉगल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या दूंगा, मॉडल दूंगा, ठीक है। ये मॉडल क्या है, ये हमारा ये जो पॉपअप खुल रहा है ना यहाँ पे लॉगिन पेज, ये है, ठीक है। जब मैं ये क्रिएट करूँगा ना तो आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ठीक है, क्यों मैंने वहाँ पे ये ऐड किया है, ठीक है, मॉडल का। और इसमें हम क्या करेंगे, एक और चीज़ ऐड करेंगे, ये गाइस जो DataBSToggle है ये बूटस्ट्रैप का है, ठीक है, ये टेलविन CSS का नहीं है। BS, इसमें हम क्या करेंगे, टारगेट लिखेंगे, ठीक है, जिसे टारगेट करना है। टारगेट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ID दे देता हूँ, यहाँ पे मैं ID क्या दूंगा, Login Page, ठीक है, Login Page, ठीक, Ctrl+S to save। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डाल देता हूँ,
कंट्रोल एस टू सेव और राइट क्लिक करके ऑन एंड ऑफ। तो हमारा बटन क्रिएट हो चुका है, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। यहाँ पे मैं एक बार आपको पेज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बटन क्रिएट है, इस पर क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है अभी। अभी हम क्या करेंगे, ये पॉपअप भी बनाएंगे बट एंड ऑफ द वीडियो में। पहले हम ये और ये चीज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ गाइस, अगर आपको ये कोड चाहिए तो आपको ये कोड मतलब सोर्स कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर एंड ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। जब ये खत्म हो जाएगा क्लोनिंग का सीरीज तब आपको एंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है, सोर्स कोड पूरा। आप वहां से जाके सोर्स कोड खोल के देख सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे ये चीज बिकम अ सेलर मोर और कार्ट का लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा और मैं फॉर्म से बाहर आ जाऊंगा सबसे पहला बात। उसके बाद मैं एक और यूएल बनाऊंगा, इसमें मैं क्लास दूंगा क्या, नैव बार नैव, ठीक है, नैव बार नैव, ठीक। इसके अंदर मैं एलआई बनाऊंगा, कितना, तीन, तीनों को मैं सेम क्लास दूंगा जो ऊपर दिया है नैव आइटम का, ठीक है। ये सब बूटस्ट्रैप का क्लास है, ठीक है, क्लास। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नैव हाइफन आइटम, ठीक। अब इसके अंदर में एक एक एंकर टैग लगा, ठीक है। तो सबसे पहला एलआई में मैं एक एंकर टैग बनाऊंगा और इसमें मैं अभी हैश डाल देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा, हैश डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें मैं क्लास ऐड करूँगा, ठीक है, क्लास। और सबसे पहला क्लास में क्या करूँगा, नैव हाइफन लिंक, ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद मैं इसका टेक्स्ट वाइट कर दूँगा, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। ये चीज़ मेरे को सब में करना है, तो मैं इसे करूँगा कॉपी यहाँ से, कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एक और एंकर टैग बना लेता हूँ, ठीक है, एंकर टैग। और यहाँ पे स्पेस दे के क्लास एंड कंट्रोल वी, ठीक है, यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, हैज, और इस पर भी मैं डाल दूंगा हैज, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो हमारा नैव का नैव है ना, इसे मैं फ्लेक्स रो कर दूंगा, क्योंकि इसका फ्लेक्स कॉलम है बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप से इसका फ्लेक्स कॉलम है और हमें फ्लेक्स रो करना है ताकि ये एक लाइन में आ जाए, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, जो मैंने नैव आइटम करके बनाया है ना, उसमें मेरे को पैडिंग देना है जो कि है एक्स एक्सिस में, मतलब लेफ्ट और राइट से मैं क्या करूँगा, 20 पिक्सल का इसे पैडिंग दे दूंगा, ठीक है। और फ्रंट साइड से करूँगा टेक्स, इसमें 18 पिक्सल दे दूंगा, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव एंड आई विल कॉपी दिस प्रॉपर्टी एंड यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा, सेम थिंग यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और पैडिंग भी मेरे को सेट करना है, तो पी एक्स यहाँ पे 25 पिक्सल, यहाँ पर भी मेरे को सेम करना है, ठीक है, पी एक्स हाइफन ये और 25 पिक्सल, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब मेरे को क्या करना है, इसमें मेरे को टेक्स्ट लिखना है। तो सबसे पहला टेक्स्ट क्या है, बिकम अ सेलर, ठीक है। और दूसरा में क्या है, मोर, और तीसरे में कार्ट, ठीक। और एक बार पेज पे चलते हैं, तो ये रहा हमारा पेज, मैंने बोला था ना यहाँ पे ये आ जाए। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक कार्ट का आइकन लगाना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कार्ट का आइकन जैसे मैं लगाऊंगा यहाँ पे हमारा ये सेट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं फाउंडेशन की वेबसाइट पे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा कार्ट, ठीक है। बस आइकन पे क्लिक करूंगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और यहाँ से मैं इसे कर लूंगा कॉपी एंड मैं इसे क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा एंकर टैग के ऊपर, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। और इसमें मैं क्या करूंगा, क्लासेस ऐड करना शुरू करूंगा। तो सबसे पहला क्लास टेक्स्ट वाइट, मतलब कलर हो जाएगा क्या, वाइट, ठीक है। इसका मैं हाइट सेट करूंगा और इसे मैं हाइट दे दूंगा 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद पी टी मतलब पैडिंग टॉप में इसे दूंगा 14 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद पी आर मतलब पैडिंग राइट में इसे दूंगा 8 पिक्सल, कंट्रोल एस टू सेव। और चलते हैं हम अपने पेज पे, ये रहा हमारा पेज। इसका हमें क्या करना है, फ्लेक्स करना है इसे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को फ्लेक्स करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो एल आई है हमारा, मैं इसे फ्लेक्स करूँगा, तो इसे डी हाइफन फ्लेक्स,
कंट्रोल एस टू सेव एंड देखते हैं। हाँ तो ये परफेक्टली यहाँ पे सेट हो चुका है। तो आप गाइस मैंने जो स्टार्टिंग के वीडियो में दिखाया था नैप बार और जो अभी हमने बनाया है कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, एग्जैक्ट सेम हमने बना लिया। अब हमें क्या बनाना है कि अगर हम इस पे क्लिक करें तो ये पॉपअप खुले, मतलब क्या चीज का पॉपअप है, लॉगिन का, ठीक है, और यहाँ पे क्रस आइकन है तो इस पे क्लिक करने पे क्लोज भी हो जाए। तो अब हम वो चीज बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको, ठीक है। तो चलते हैं अब और बनाते हैं हम लॉगिन पेज भी, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे ना मैं ये फॉर्म के नीचे आ जाऊंगा, ठीक है, ये फॉर्म जो इनपुट और क्या है एक बटन है जो लॉगिन बटन है उस फॉर्म के नीचे मैं आ जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक डिफ बनाऊंगा, इसे मैं क्लास क्या दूंगा, मॉडल, ठीक है। अब पता चल रहा है ना गाइस, यहाँ पे जो मैंने टॉगल मतलब ऊपर जो फॉर्म के अंदर लॉगिन बनाया था उसके अंदर मैंने डेटा बीएस टॉगल करके मॉडल दिया था ना, ताकि ये चीज टारगेट कर सके इसे, ठीक। और यहाँ पे एक हम आईडी भी देंगे ताकि ये आईडी से भी ये टारगेट कर सके यहाँ, ठीक है। ये देने के बाद मैं यहाँ पे आईडी दूंगा जो यहाँ पे मैंने दिया है लॉगिन पेज करके, वो आईडी मैं यहाँ पे दूंगा, ठीक है, ताकि बटन पे क्लिक करने पे ये चीज खुले, ठीक है, जो अभी हम बना रहे हैं मॉडल। ये सारा चीज क्या होगा, बूटस्ट्रैप से हो जाएगा, ठीक है, बूटस्ट्रैप अपने आप जावास्क्रिप्ट लगा देगा और ये वर्क करा देगा। नहीं तो अगर हम एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो फिर एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, वो भी हमें लॉजिक सोचना पड़ता है, तो बूटस्ट्रैप हमें ये हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लॉगिन पेज लिख दूंगा, ठीक है, जो आईडी मैंने इस बटन पे दिया था वो चीज मैंने यहाँ पे लगा, ये क्या है यहाँ पे हाइफन, ठीक है, ये चीज आपको ये चीज सब ध्यान रखना है, स्पेलिंग गलत नहीं लिख सकते हो, ठीक है, बूटस्ट्रैप का क्लासेस का अगर गलत लिखोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इस मॉडल के अंदर मैं क्या करूंगा, एक और डिफ बनाऊंगा जिसे मैं क्लास दूंगा मॉडल डायलॉग, ठीक है, क्लास, और क्लास में मैं क्या करूंगा मॉडल डायलॉग, ठीक है। ये लिखने के बाद मैं इसका क्या करूंगा, मैक्स विड्थ दूंगा, ठीक है, मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ क्या है, ये टेलविन सीएसएस का क्लास है, ठीक है, 700 पिक्सल, ठीक, और एमएक्स ऑटो मार्जिन टॉप बॉटम, मार्जिन टॉप बॉटम कितना दूंगा मैं, 3 रैम, ठीक है, ठीक, कंट्रोल एस टू सेव। अगर आपको ये क्लास नहीं समझ में आ रहा है मॉडल क्या है, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में फेसबुक क्लोन किया है, ठीक है, फेसबुक का लॉगिन पेज मैंने क्लोन किया है, ठीक है, उसमें लॉगिन और क्या बोलते हैं साइन अप पेज दोनों क्लिक क्लोन किया है, ठीक है, आप वो वीडियो देखो उससे समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं क्या बोलते हैं उस वीडियो में दिखाया है कि जैसे ही आप क्लिक करोगे क्रिएट न्यू अकाउंट पे तो वो पॉपअप खुलेगा, उसमें भी मैंने सेम यही चीज यूज करके बनाया है, ठीक है, वो भी बूटस्ट्रैप यूज करके ही बनाया है, ठीक है, तो वहां पे भी आप देख सकते हो और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये डायलॉग बनाने के बाद इसी के अंदर एक और डिव बनाएंगे जिसे मैं क्लास दूंगा मॉडल कंटेन, ठीक है, डिव, इसे मैं क्लास दूंगा मॉडल कंटेन, इसके अंदर हमारा सारा कंटेन रहेगा, ठीक है, ठीक। इसके बाद अब हमारा मेन बॉडी शुरू होगा, इसमें आप क्या क्या दे सकते हो, एक तो हेडर दे सकते हो, बॉडी और फुटर, ये तीन चीज आप इस मॉडल कंटेन के अंदर दो, ठीक है। तो आप क्या कैसे बनाना है बूटस्ट्रैप की मदद से वो पॉपअप वाला, तो आपको क्या करना है, एक डिव बनाना है, उसे क्लास देना है मॉडल, ठीक, जो बटन पे क्लिक करने पर ये मॉडल खुले उसमें आईडी देना है। तो हम क्या करेंगे, मॉडल वाले डिव पे एक आईडी देंगे और यहाँ पे टारगेट करवाएंगे, ठीक, ये चीज और ये चीज, जो भी बटन या आइकन हो या कुछ भी हो उस पे देना है, ये एक चीज और दूसरा ये एक चीज, ठीक है, ये जो यहाँ पे आईडी दोगे वही मॉडल पे भी आईडी दोगे, ठीक। ये डिव बनाने के बाद एक और डिव बनाओगे, उसमें डायलॉग रहेगा, मतलब वो कंटेन रहेगा, ठीक है, कि कितना बड़ा विड्थ होगा उस चीज का, मतलब ये डायलॉग का कितना बड़ा कंटेन रहेगा, मतलब इसका विड्थ कितना बड़ा रहेगा, ठीक है, ये चीज वो डिसाइड करता है, ठीक है, मॉडल डायलॉग। इसके अंदर कंटेन ये चीज, ठीक है, कंटेन जो है वो चीज डिसाइड करेगा, इसके अंदर क्या क्या, कंटेन के अंदर क्या क्या हो सकता है, मतलब मैंने तो डायरेक्ट बॉडी बनाया, ठीक है, बॉडी के अंदर ये सारा कुछ बनाया, आप क्या कर सकते हो, कंटेन के अंदर हेडर, ठीक, बॉडी और फुटर, ये चीज डाल सकते हो, ठीक है, तो कंटेन के अंदर वो चीज रहे,
मॉडल डायलॉग के अंदर कंटेन रहेगा, ठीक है। और कंटेन क्या है, ये पूरा डिव के अंदर कंटेन ये चीज है, कंटेन के अंदर बॉडी हेडर और फुटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब बनाऊंगा एक और डिव जिसे मैं क्लास दूंगा मॉडल बॉडी, ठीक है। ये चीज दे दिया, आप मॉडल हेडर करके भी दे सकते हो, तो वो हेडर रहेगा मॉडल बॉडी, उसके बाद मॉडल बॉडी, और वो सारा चीज कंटेन के अंदर रहेगा, ठीक है, मॉडल कंटेन के अंदर। तो बॉडी बना दिया मैंने, उसके बाद मैं इसका पैडिंग क्या करूंगा, जीरो कर दूंगा, ठीक है, जीरो पिक्सल। और इसका मैं हाइट सेट करूंगा, हाइट में इसे दे दूंगा 520 पिक्सल, ठीक है, ठीक। और सारा चीज हमारा इस डिव के अंदर रहेगा, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आप डायरेक्ट पी लगा के भी बॉडी बना सकते हैं। और मैं डिव बना रहा हूँ ताकि दो डिव बनाऊंगा, एक डिव में ये रहे और दूसरे में ये, ठीक है। और मैं इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करके साइड बाई साइड कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बॉडी बना दिया है, इसमें मैंने मेरे को क्या करना है, डिव फ्लेक्स डालना है ताकि ये साइड बाई साइड आ जाए। डिव फ्लेक्स मतलब आपको आपको पता ही है, बूटस्ट्रैप का क्लास है डिव फ्लेक्स, ठीक है। तो इस डिव में हम क्लासेस ऐड कर लेते हैं, पहले क्या करेंगे, टेक्स वाइट, उसके बाद बीजी प्राइमरी हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं इसका सेट करूंगा, विड्थ मैं इसे दे दूंगा 350 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद राउंडेड में 1 कर दूंगा, ठीक है। और डी हाइफन फ्लेक्स, इसका भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, ठीक है। और फ्लेक्स क्या करूंगा, कॉलम करूंगा, ठीक है। फ्लेक्स रो के जगह में क्या करूंगा, कॉलम, ठीक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जस्टिफाई कंटेन स्पेस बिटवीन करूंगा, ठीक है, जस्टिफाई कंटेन बिटवीन। ये क्या है, बूटस्ट्रैप का क्लास है, ठीक है। ऐसे हम करते हैं, जस्टिफाई कंटेन बिटवीन यूजिंग बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। और इसे मैं पैडिंग दे देता हूँ 3 RAM का, ठीक है। राइट क्लिक, फॉर्मेट, ये डिव फॉर्मेट हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसी डिव के अंदर एक और डिव बना जिसमें मेरा क्या रहेगा, एक लॉगिन टैक्स और क्या दूसरा ये टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस ठीक क्लास के नीचे मतलब इसी डिव के अंदर एक और डिव बना लेता, ठीक है, डिव। और इसमें मैं क्लास दे दूंगा, क्लास में क्या करूंगा, इसका सबसे पहले विड्थ सेट करूंगा जो कि होगा 230 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद MX40, ठीक। इतना करने के बाद मैं इसके अंदर सबसे पहला क्या करूंगा, एक पी टैग डालूंगा, इसमें मैं लिखूंगा लॉगिन एंड देन क्लास टेक्स। इसका मैं क्या करूंगा, टेक्स मतलब फॉन्ट साइज, ठीक है, 2 RAM, अगर 2 RAM, ठीक है, टेक्स 2 RAM। उसके बाद FW आपको नया लगेगा क्योंकि ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, FW मतलब फॉन्ट विड्थ बोल्ड, ठीक है। उसके बाद PB तो आपके लिए कॉमन हो चुका होगा अगर स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है, PB 1 RAM, ठीक है, 1 RAM हो गया। PV मतलब पैडिंग बॉटम, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी बूटस्ट्रैप नहीं आता, थोड़ा सा भी एल्विन CSS नहीं आता, अगर आप ये पूरा सीरीज देख लोगे ना, पूरा क्लोनिंग का पार्ट का वीडियो, तो आपको इतना आ जाएगा कि विड्थ कैसे देते हैं, पैडिंग कैसे देते हैं, मार्जिन कैसे देते हैं, फॉन्ट साइज कैसे सेट करते हैं, उसके बाद फॉन्ट विड्थ कैसे सेट करते हैं, ठीक है, कलर कैसे देंगे, इतना तो आपको बेसिक तो आ जाएगा। उसके बाद तो आप खुद से भी वो देख देख के साइड से सीख सकते हो, पर बेसिक चीज आपको आ जाएगा, ठीक है, कैसे लिंक करते हैं। और इसके एंड वीडियो में मैं आपका मतलब क्लोनिंग के एंड वीडियो के बाद मैं आपको दो या एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जहाँ पे आप सेटअप कर सकते बूटस्ट्रैप को और एल्विन CSS को इंस्टॉल करके अपने सिस्टम, ठीक है। ये हम लॉगिन बनाने के बाद एक एंकर टैग बनाऊंगा, ठीक है, एंकर टैग नहीं, स्पैन बना लेते हैं, स्पैन के अंदर सही रहेगा, ठीक है, छोटा सा टेक्स ही तो लिखना, तो क्लास। और इसमें मैं क्या करूंगा, इसका टेक्स में सेट करूंगा, टेक्स्ट में इसे दे दूंगा 20 पिक्सल, टेक्स मतलब फॉन्ट साइज, ठीक है, जो कि एल्विन CSS का क्लास है, आपने सही गेस किया। उसके बाद क्या करूंगा, मैं इसे कलर दूंगा, टेक्स्ट का कलर, ठीक है,
टेक्स्ट अगर ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू दोगे तो क्या होगा, वो फॉन्ट साइज में चला जाएगा, और टेक्स्ट करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई कलर कोड या व्हाइट ब्लैक लिखोगे तो वो कलर टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा। ठीक है, ये कलर कोड मैंने क्या किया है, फ्लिपकार्ट से कॉपी किया है। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। उसके बाद मेरे को क्या करना है, टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट सिंपल सा बात है, यहीं से कर लेंगे कॉपी। कंट्रोल सी आई थिंक होता है कि नहीं देख लेते हैं, कंट्रोल वी हो गया। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। एक बार क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने पेज पे और देख लेते हैं। ठीक है, ये बना भी है कि नहीं, हाँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना टेक्स्ट, यहाँ पे देखो इसे करे हुए थे, इसका कलर चेंज हो रहा है ना। ठीक है, तो ये बन चुका है। अब हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए, तो वो भी हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस डिप के नीचे, मतलब जो डिप के अंदर मैंने ई टैग और स्पैन बनाया था, उस डिप के नीचे मैं इमेज लगाऊंगा। ठीक है, इमेज, और इमेज कैसे आरसी मैंने यहाँ पे दिखाया था, यह है इमेज। ठीक है, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही उठाया। ठीक है, गूगल पे मैंने सर्च किया, नहीं मिला तो मैंने फ्लिपकार्ट से ही उठा लिया। तो लॉग इन एंटर। ठीक है, कंट्रोल एस सेव। और हम क्या करेंगे, इसे सेट, इसे भी हम क्लास देंगे और इसका विड्थ हाइट सब सेट करेंगे। ठीक है, तो इसका विड्थ मैं कर दूंगा 250 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद हाइट मैं इसका कर दूंगा 130 पिक्सल। ठीक है, और mx, ठीक है, mx, कंट्रोल एस टू सेव एंड लेट्स सी द पेज। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, हाँ तो यहाँ पे ये सेट हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को बनाना है ये चीज़। ठीक है, अभी इसका विड्थ तो आपको बड़ा दिख रहा है, अभी ये बनाएंगे तो वो सेट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा सेट तो हम इसका विड्थ छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अब और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा, एक बार राइट क्लिक करके फॉर्मेट ऑन करूँगा, तो ये फॉर्मेट हो चुका है और थोड़ा सा इधर कर। तो अब मैं क्या करूँगा, इस डिप से मैं बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, हमने ये डिप छोड़ दिया, ये वाला डिप, ठीक है, जो ऊपर खोला था ना ये डिप, और इसके बाद एक और डिप बनाएंगे, क्लास में इसे दे दूंगा क्लास bg-white। ठीक है, कंट्रोल एस टू से, ऑलरेडी वाइट है तब भी वाइट दे दिया हमने। ठीक है, उसके बाद डिफ्लेक्स, डिफ्लेक्स मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स, किसका क्लास है, बूटस्ट्रैप का क्लास। फ्लेक्स कॉलम, फ्लेक्स कॉलम किसका क्लास है, बूटस्ट्रैप का क्लास है। फ्लेक्स कॉलम मतलब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, जस्टिफाई कंटेन बिटवीन मतलब जस्टिफाई कंटेन स्पेस बिटवीन। ठीक है, सिंपल सिंपल सा क्लास है। उसके बाद राउंडेड मतलब बॉर्डर रेडियस, राउंडेड वन मतलब बॉर्डर रेडियस लगता है 1, 2, 3 या ब्रैकेट में करके भी आप एक्सेल में भी दे सकते हैं। ठीक है, px, px मतलब पैडिंग लेफ्ट राइट, इतना 2 रैम। ठीक है, ब्रैकेट में दो या ब्रैकेट हटा कर दोगे तो 1, 2 ऐसे करके दे सकते हो। ठीक है, वो भी रैम में ही लगेगा वैल्यू। ठीक है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ टेलविन CSS के, वहाँ पे देखो py मतलब पैडिंग टॉप बॉटम, px मतलब पैडिंग लेफ्ट राइट। यहाँ पे मैं इसे दूंगा 4 रैम। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। इसके बाद में क्या करूँगा, इसी डिप के अंदर फॉर्म बनाऊंगा। यहाँ पे मैं इसी डिप के अंदर फॉर्म बनाऊंगा, और फॉर्म क्या है, एक्शन क्या रहेगा, हैश। ठीक है, और इसमें मैं क्लास दे दूंगा फॉर्म, बात खत्म। ठीक है, इसके अंदर पहला चीज इनपुट टाइप रहेगा टेक्स्ट, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आईडी ना देके मैं नेम दे दूंगा, नेम में मैं क्या दूंगा, नंबर दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पे नंबर ही तो डालना है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, नेम में नंबर दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक लेबल लगा दूंगा, लेबल टैग और नंबर, जो नेम दिया है वही तो देंगे ना। यहाँ पे मैं क्लास ऐड करूँगा, ठीक है, नंबर को डिजाइन करने के लिए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहला चीज टेक्स, टेक्स में इसका कर दूंगा 13 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद FW क्या है बताओ जल्दी से, फॉन्ट विड्थ। ठीक है, किसका क्लास है, जल्दी से किसका क्लास है, बूटस्ट्रैप का। टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं कलर कोड लिखूंगा, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख दूंगा जो कि मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे जाऊंगा और ये चीज कंट्रोल सी एंड पेस्ट इट इनसाइड लेवल टैग। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं टारगेट करूँगा किसे, मतलब डिजाइन करूँगा किसे, फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल किसका क्लास है ये बताओ, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल है बूटस्ट्रैप का क्लास। ठीक है,
फॉर्म दोगे, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल दोगे, उसके बाद छोड़ दोगे, कुछ नहीं लिखोगे तो देखो क्या होता है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखो बॉर्डर रेडियस आ चुका है, एक प्रॉपर वो बन चुका है, मतलब बॉक्स बन चुका है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस आ चुका है, बॉक्स शेडो आ चुका है, जब क्लिक करोगे उस पर तो देखो बॉक्स शेडो आ रहा है ना, ये होता है, ठीक है। फॉर्म और फॉर्म कंट्रोल दोगे, हमें तो वो चाहिए ही नहीं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद में क्या करूँगा, इसके बाद में सबसे पहले तो इसका बॉर्डर रेडियस हटाऊंगा, राउंडेड जीरो, बॉटम टॉप लेफ्ट राइट तीनों से बॉर्डर में हटा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर हटा देंगे, ठीक है। बॉर्डर हाइफन टी, हाइफन टी मतलब टॉप, टॉप का बॉर्डर क्या करे जीरो, ठीक है। टॉप का हटाना है, लेफ्ट का हटाना है और राइट का हटाना है, ठीक है। तो फिर बॉर्डर पे एंटर करो, टी के जगह एल करो, ठीक है, एल मतलब लेफ्ट। फिर यहाँ पे क्या करो, बॉर्डर एल पे क्लिक करो और लेफ्ट का हट गया, राइट का भी हट जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक अब बॉर्डर क्या होगा, सिर्फ बॉटम का। हाँ तो यहाँ पे देख सकते हो बॉटम का है, और हमें क्या करना है अब इसमें, हमें बॉर्डर प्राइमरी हटा देना है, मतलब लगा देना है, ठीक है, बॉर्डर प्राइमरी। एक और बॉक्स शैडो नन कर देना है ताकि ये ना दिखे, होवर क्लिक करने पर यह दिख रहा है ना बॉक्स शैडो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉर्डर को प्राइमरी करूँगा, ठीक है, जो बॉर्डर बचा है उसे प्राइमरी करूँगा, एक ही बॉर्डर बचा है जो है बॉटम में प्राइमरी, ठीक। और शैडो नन, शैडो नन, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पे क्लिक करो, और अब देखो तो नहीं है ना शैडो। यहाँ पे मैं बता दूँ, बॉर्डर प्राइमरी यह है बूटस्ट्रैप का क्लास, ठीक है। शैडो नन यह है कैल्विन सी एस एस का क्लास, ठीक। इसके बाद में क्या करूँगा, एक ई टैग यूज करूँगा। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट इधर आऊँगा, ठीक है। इनपुट तो बन चुका है हमारा, ठीक। कंट्रोल एंटर, और एक पी टैग लिखूँगा, इसमें क्लास ऐड करूँगा, और इसमें क्या करूँगा, टेक्स्ट सबसे पहला काम, मतलब फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज में इसका कर दूँगा 12 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद पी टी मतलब पैडिंग टॉप टू रैम, ठीक है। पी एडिंग बॉटम, एडिंग बॉटम वन रैम, ठीक है। और फिर इसमें मैं क्या करूँगा, टेक्स दूंगा, और इसका कलर मतलब टेक्स कलर चेंज करूँगा एज 8787, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव, और इसमें मैं क्या करता हूँ, टेक्स डाल देता हूँ, ठीक है। पे आऊँगा, और जो कि टेक्स है ये कंट्रोल सी, एंड हियर आई हैव टू पेस्ट कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को क्या करना है, कुछ में एंकर टैग है, मतलब टर्म्स ऑफ यूज और प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ यूज, इससे मेरे को क्या करना है, एंकर टैग में डालना है, एंकर टैग हैज, और टर्म्स एंड यूज को मैं क्या करूँगा, कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल वी, एंड देन दिस, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंकर टैग और हैज, यहाँ पे आप लिंक दे सकते हो, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे जाओ, और ऐसे आप प्राइवेसी और पॉलिसी पे क्लिक करके पेज खुलेगा, उसका लिंक कॉपी करो और HRF में डालो, सिंपल, ठीक है। उसके बाद में क्या करूँगा, राइट क्लिक एंड देन कमेंट, ठीक, और कंट्रोल एस टू सेव। एक बार देखते हैं हमारा पेज, इस पर क्लिक किया, ये भी नहीं आ रहा है, मतलब होवर करने पर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट प्राइमरी कर दूँगा दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास ऐड करूँगा, टेक्स्ट प्राइमरी, कंट्रोल एस टू सेव, एंड यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, क्लास टेक्स्ट, टेक्स्ट प्राइमरी, कंट्रोल एंटर, लेट्स चेक। हाँ यहाँ पे देख सकते हो ये हो चुका है, अभी इस पर क्लिक करने पे नहीं हो रहा है, पर अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो होगा, ये जा रहा है ना फ्लिपकार्ट के टर्म्स यूज पे, हम डाल लेंगे एंड में या बीच में, ठीक है। कभी क्या करना है, अब हमें बनाना है बटन, और ठीक पी टैग के नीचे मैं क्या करूँगा, बटन बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बटन क्लास, तो सबसे पहले BG हाइफन, इसमें कलर कोड दूंगा जो कि मैंने उठाया है फ्लिपकार्ट से ही, ठीक है, FB641B, ठीक है। उसके बाद XY, ठीक है। उसके बाद विड्थ मैं इसका सेट करूँगा 350 पिक्सल, कंट्रोल एस टू सेव, पैडिंग में इसे दूंगा PY, पैडिंग टॉप बॉटम, ठीक है, 0.699 रैम, ठीक है।
फिर इसका मैं क्या करूँगा बॉर्डर रेडियस दूंगा 100, 0 की जगह कर्ली ब्रैकेट और 3 पिक्सल का, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव, और इसमें मैं क्या लिखूंगा रिक्वेस्ट OTP, ठीक है। यहाँ पे आऊंगा रिक्वेस्ट OTP, ठीक है। कंट्रोल एस टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एस टू सेव, एंड एक बार पेज पे जाऊंगा। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बटन परफेक्टली बन चुका है, और देख सकते हो इसका विड्थ भी सेट हो चुका है, ठीक है, जो कि इससे पहले नहीं था, और इसमें आप डिफरेंट नहीं बता सकते। अब हम मेरे को क्या करना है, एक ये चीज़ बनाना है और एक क्लोज बटन, ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। अब इस फॉर्म के बाद मैं क्या करूँगा, बाहर आ जाऊँगा, इसको एंकर टैग बनाऊँगा, इसमें हैश दे दूँगा, ठीक। उसके बाद मैं क्लास ऐड करूँगा, सबसे पहला काम टेक्स्ट प्राइमरी, ताकि ब्लू है वो कलर, ठीक है, मतलब टेक्स्ट का कलर ब्लू है, ठीक। उसके बाद टेक्स्ट साइज 13 पिक्सल, देन विड्थ 210 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा MX ऑटो, ठीक है, मार्जिन ऑटो, और इसके बाद मैं इसका पोजीशन करूँगा रिलेटिव, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव, टॉप से मैं इसे दूंगा 2 रैम, ठीक है, 2 रैम, कंट्रोल एस टू सेव। उसके बाद क्या करना है, टेक्स्ट डालना है इसमें, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल सी, कंट्रोल एस टू सेव एंड फॉर्मेट, और एक बार क्या करेंगे सेव करके अपने पेज पे जाएंगे, तो यहाँ पे ये भी आ चुका है। अब हमें लास्ट एक चीज बनाना है, जो कि है यहाँ पे क्रॉस बटन, ताकि इस पर क्लिक करने पे क्लोज हो, सिंपल, ठीक है। जाएंगे हम अपने कोड पे, इसके बाद में क्या करूँगा, इसके बाद में क्या करूँगा, ठीक एंकर टैग के नीचे एक और डिव बनाऊंगा, एक और डिव बनाऊंगा, उसे मैं क्लास दूंगा, ठीक है, क्या मॉडल फुटर। मैंने बोला था आपको आप 3 चीज बना सकते हो कंटेन के अंदर, मॉडल हेड, हेडर, मॉडल बॉडी, मॉडल फुटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा मॉडल कंटेन की जगह फुटर बना, ठीक है, फुटर, ठीक, सिंपल। उसके बाद मैं क्या करूँगा इसका पोजीशन में एब्सोल्यूट कर दूंगा, ठीक है, एब्सोल्यूट। उसके बाद मैं इसे राइट से दूंगा -3.5 रैम, ठीक है। उसके बाद मैं टॉप से दूंगा -1.5 रैम, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा इसका टेक्स्ट वाइट कर दूंगा, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। उसके बाद मैं इसका क्या करूँगा बॉर्डर टॉप 0, ठीक है, बॉर्डर हाइफन टॉप हाइफन 0, इसे फ्लिक पे भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है क्या करेंगे। इस डिव के अंदर मैं क्या करूँगा एक बटन बनाऊंगा, पहले तो मैं इस टिप के अंदर आ जाता हूँ, इस टिप के अंदर मैं क्या करूँगा बटन बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा टाइप होगा बटन, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्लास तो नहीं देने वाला, बस डेटा हाइफन DS टारगेट के जगह मैं क्या करूँगा डिसमिस, ठीक है, DIS DIS MISS, डिसमिस क्या है बूटस्ट्रैप का है, ये चीज क्या है डेटा BS इसमें क्या है बूटस्ट्रैप का क्लास है, ठीक है, जो क्या करेगा जावास्क्रिप्ट को लगा देगा, इस पे मॉडल को क्या करेगा आइकन पे क्लिक, मतलब इस बटन पे क्लिक करने पे क्या करेगा मॉडल वाले डिप को डिसमिस कर देगा, मतलब हटा देगा स्क्रीन से, सिंपल। अब मेरे को क्या चाहिए, एक आइकन चाहिए, तो मैं जाऊँगा फॉन्टमोशन की वेबसाइट पे, आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लोज सर्च करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, इस पे हम क्लिक करेंगे
यहाँ पर भी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन एंड आई विल कॉपी दिस एंड मैं पेस्ट कर दूंगा बटन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कुछ क्लासेस ऐड कर दूंगा, जैसे कि इसका टेक्स्ट में बड़ा कर दूंगा, सिंपल। इसका मैं टेक्स्ट क्या करूँगा, 3 RAM कर देता हूँ, 3 RAM, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव, उसके बाद इसका टेक्स्ट वाइट है। तो अब हम चलते हैं अपने पेज पे, ये रहा हमारा पेज, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या खुल रहा है, एक लॉगिन पेज, जो कि फ्लिपकार्ट के साइट पे भी आपको डिटो ऐसे ही दिखे, ठीक है। इस पर क्लोज करने पे क्लोज हो जाएगा, जो अभी हमने बनाया उस पर भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो हमने फर्स्ट वीडियो में क्या किया है, सिर्फ नैव बार बनाया, ठीक है। और नैव बार में दो चीज़ अभी और बाकी है, इस पर होवर करने पर कुछ चीज़ खुलेगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा और इस पर भी, ठीक है। तो वो चीज़ हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वेट करो नेक्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।